Subscribe and click the bell icon for all the television updates. यार मानसी से मैं मिला था जब हम दोनों एक ही एयरलाइंस में काम करते थे, तो वी हैड अ लेओवर इन मिलान, तो इट वाज लव एट फर्स्ट साइट. तो जैसे मैंने उन्हें देखा तो यू नो घंटियाँ बजना शुरू किया ऑल. तो नेक्स्ट डे वी वर जस्ट ट्रैवलिंग वहीं पे मिलान में, वी जस्ट रूमिंग अराउंड. सो आई टोल्ड हर दिस एंड दैट, एंड देन आफ्टर दैट वी मेट आफ्टर लाइक अ मंथ. तो दैट टाइम शी हैड ऑल्सो हैड फीलिंग्स फॉर मी, तो बस इजहार हो गया फीलिंग्स का और वी फेल इन लव. इट वॉज म्यूचुअल एक्चुअली, क्योंकि पहले मेरी तरफ से था, फिर मानसी की तरफ से था, फिर हम दोनों की तरफ से था. तो द फर्स्ट वन वॉज मी ओनली ऑब्वियसली, क्योंकि लड़के ही इजहार करना चाहिए, लड़कों को ही करना चाहिए. यार वी वर इन हांगकॉन्ग दैट टाइम, तो उनको मैं एक वहाँ पे, देयर वॉज अ रेस्टोरेंट, सो शी डिडंट नो दैट आई एम गोना डू एनीथिंग लाइक दैट. सो आई टुक हर देयर एंड बातें करते करते जस्ट ऐसे ही बातें करते करते कुछ और बातें हो रही थी, एंड सडनली आस्क्ड हर यू लव मी, एंड शी इज लाइक व्हाट, मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेट्स बी टुगेदर. तो शी इज लाइक ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. हाँ तो तब से अब हम लोग साथ में हैं, अभी 6 साल हो गए हम दोनों को. डील करने एक ही है, दैट यू हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर. जब वो व्हेन यू लव समवन देन देयर इज नो रनिंग बैक, क्योंकि वो प्यार कभी खत्म होने वाला नहीं है. एंड यू कैन नॉट लूज समवन जिसके बारे में आप सोचते रहोगे, आप देन यू विल रिग्रेट इट बाद में अगर आपको ब्रेकअप हो जाता है आपका. तो आई हैव सीन पीपल यू नो, लाइक मेरे दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, तो दीज पीपल हैव ब्रोकन अप और आज तक रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मुझे उस जैसा लड़का नहीं मिलता. सो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन रिलेशनशिप्स, बिकॉज टाइम के साथ वर्क के साथ आप भी ग्रो करते हो, तो आपका रिलेशनशिप भी ग्रो करना चाहिए विद टाइम. अगर आप वही जैसे हम 6 साल पहले थे, तो अभी 6 साल बाद वी हैव ग्रोन एज अ पर्सन ऑल्सो, वी हैव मेच्योर्ड, तो हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है. टच वुड मेरी और मानसी की, जैसे हम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस ऐसे ही रहे. तो करते रहते हम काम, वी गो ऑन हॉलीडेज समटाइम्स, कभी घर चले गए, अब फैमिलीज आर इन्वॉल्व, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनकी भी हमें. तो अभी तक तो एकदम स्मूथ राइड है. यार शी वॉज इन चंडीगढ़, तो शी हैड गॉन होम, तो मैं धर्मशाला से आई वॉज कमिंग टू दिल्ली. तो शी टोल्ड अवर पेरेंट्स के यार मोहित नाम का लड़का है, मुझे इज इट ओके इफ आई गो टू दिल्ली विद हिम, बिकॉज मानसी वॉज ऑल्सो इन दिल्ली. तो मैं उनके घर गया, उनके पेरेंट्स से मिला, तो दे लाइक्ड मी. उसके बाद फिर सीधा ही अप्रोच द पेरेंट्स के, ऐसा ऐसा है और रोका करना है, शादी करनी है. सो दे वर प्रीटी हैप्पी, क्योंकि फैमिलीज एक दूसरे को पहले से जान चुकी थी, तो सीधा अप्रोच किया था मैंने, आई गो डायरेक्ट. वो कहते हैं ना जहाँ चाव आ रहा, हाँ थोड़ा है डिफिकल्ट, बट जहाँ चाव आ रहा तो यू फाइंड वेज यार टू वर्क ऑन रिलेशनशिप्स. थोड़ा डिफिकल्टी रहती है, जैसे अभी आई एम इन उमरगांव, सो इट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी एंड मानसी, क्योंकि तीन महीने में उससे 3 बार मिला हूँ शायद, बट वी ऑलवेज ऑन द फोन, व्हाट्सएप. आजकल तो इतना कनेक्टिविटी इतनी ईजी हो गई, इट्स सो ईजी टू कनेक्ट टू पीपल, लाइक देर इज फेस टाइम, देर इज व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग. तो जब भी टाइम मिलता है यू कॉल, क्या चल रहा है दिन में, सो यू गेट टू नो, या रात को एटलीस्ट यू टॉक फॉर 10-15 मिनट्स के तुम्हारे दिन के साथ क्या हुआ, मेरा दिन ऐसा था. सो यू टॉक अबाउट एवरीथिंग, इफ आई एम हैविंग अ बैड डे सो शी विल बी देयर फॉर मी, और उसका बुरा दिन चल रहा है तो एटलीस्ट आई एम देयर ऑन द फोन. और जब भी मौका मिलता है सो आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट, इवन फॉर अ डे और इवन फॉर अ नाइट आई कम बैक टू बॉम्बे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है रहना, यू नो यू वॉन्ट टू सी दैट पर्सन हुम यू लव, उसको देखने का बहुत मन करता है, बहुत मिस करते हो. When I proposed here only, we were, that was last year only, monsoons.
around 25th, I guess, 25th of July. So we were in a restaurant, suddenly like I popped the question, I was like, would you like to marry me? And I asked her hand and gave her the ring and she said yes. So bahut memorable hai mere liye wo. I have no clue about marriage because लेकिन जब बोलते हो एक बार करोगे शादी तो खुद you'll understand क्या है शादी, एक दूसरे के साथ रहना क्या है. But thank God हम दोनों की compatibility बहुत अच्छी है, so I hope कि शादी भी अच्छी से चलेगी हम दोनों की. And I guess parents की guidance बहुत important रहती है. When you know लड़ाइयाँ होती रहेंगी, people fight, people love, but वही है कि you have that support system, you know, like कभी जैसे हमारी लड़ाई होती है तो मेरे मॉम या उसको फ़ोन कर देंगे क्या हुआ, दे आस्क, सो दे ऑल्सो ट्राई टू फिगर इट आउट. और हम दोनों तो कर ही लेते हैं आपस में फिगर आउट. तो आई गेस एक सपोर्ट सिस्टम शादी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वेन यूर अ फैमिली देन यूर अ फैमिली, आप फिर देर इज़ नो टर्निंग बैक. तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होती है, मैंने सुना है अभी तक, मैंने किया नहीं एडजस्ट. सो देर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स दैट यू हैव टू मेक एंड या देखते हैं क्या होता है शादी के बाद. वो आंखों के साथ बहुत खेलती है अपना. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई फाइंड वेरी फाउंड वेरी अट्रैक्टिव अबाउट हर वाज जो आंखें हैं ना, शी हैज गॉट ब्यूटीफुल आईज एंड शी एक्सप्रेसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर आईज. तो वो नहीं बोलेगी लेकिन यू कैन सी हर तो आप समझ जाओगे यार इसको बुरा लग रहा है. वो आंखों से होता ना, आंखों की बात समझना, तो उसमें बहुत माहिर है. तो शी, मेरी लड़ाई भी उसी चक्कर में होती है उससे, बिकॉज समटाइम्स आई डोंट पे अटेंशन दैट मच. तो शी इज़ लाइक, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तो वो चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है एंड आई वॉन्ट टू चेंज दैट थिंग, क्योंकि आई गेट कॉट इन अ फिक्स समटाइम्स, आई गेट इन अ फिक्स कि क्या करूँ मतलब समटाइम्स. मानसी, आई थिंक उसको मेरा एटीट्यूड अच्छा लगता है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स माई करियर. एंड थोड़ा सा मैं लेट बैक हो जाता हूँ कभी कभी, तो शी वॉन्ट्स टू चेंज दैट, यू नो, शी वॉन्ट्स मी टू बी लाइक, कभी शादी होने वाली है तो शी वॉन्ट्स मी टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर मैच्योर. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग ऑन, अभी बस वही बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मैच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी. वी हैव लेफ्ट इट ऑन द पेरेंट्स अभी तक. तो जैसे ही शो खत्म हो गया, सो मोस्ट प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट ईयर और इस साल के एंड में जैसे शो खत्म होता है हमारा, विल गेट टाइम टू प्रिपेयर, बिकॉज मेरी फैमिली में देयर इज ओनली मॉम, तो शी वॉन्ट बी एबल टू हैंडल ऑल द स्ट्रेस, यू नो, शादी वगैरह का. एंड माई ब्रदर्स आर ऑलवेज लाइक, एक आबू धाबी में है, एक वन इज इन बैंगलोर, सो दे आर नॉट हियर. तो मुझे ही प्रिपरेशन करना है और मानसी को भी, फ्रॉम हर साइड ओनली, शी इज ओनली डॉटर. तो वेन्यूज वगैरह ये सब बहुत, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इन द मैरिज. तो सब हम दोनों को ही बेसिकली फाइनल करना है. सो दैट्स वाई हमने थोड़ा डिले कर दिया है अभी, बिकॉज अभी अगस्त में वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, बट अगस्त तक तो हमारे शो, लाइक माई शो इज़ ऑन टिल नवंबर और मानसी का तो चल ही रहे, तो एक आदमी तो फ्री होना चाहिए कम से कम. सो दैट्स वाई, तो पेरेंट्स करेंगे डिसाइड आगे. I want to get married in hills, पहाड़ों पे एकदम अच्छा सा, you know, very few people, as in like very few जो बहुत close हैं हमारे, और छोटा सा एक प्यारा सा venue हो कहीं पर, एंड प्यारी सी wedding, ज़्यादा I don't like those ताम चाम DJs and all, it's gonna be like, I like classy things, तो थोड़ा अच्छा सा रहे, छोटा रहे और बढ़िया सा, और hills. Hey guys, so I hope you're liking Hasti in Porous, and now my look has changed. I've become like the king of synth, and there's gonna be lot of interesting things that's gonna come in Porous. So aap log dekhte rahiye aur Hasti ko apna pyar dete rahiye.